पता है ना, अभी हमारी बच्ची कैसे, उन्हीं को पता रहता माँ बाप को। बिल्कुल बिल्कुल है? बहुत गंभीर विषय है फिर। और वो तो जवान बच्चे भी नहीं है, छोटी छोटी बच्ची है, तो पुलिस का तो हम पुलिस को ही जिम्मेदार मानेंगे ना, जब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे यहाँ पे आके। नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है सफेदो उपमंडल के गांव डिडवाड़ा में, और यहां एक बहुत ही निंदनीय कहा जाए, बहुत ही एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे लेकर आज यहां पूरा गांव इकट्ठा, आप देख सकते हैं सामने काफ़ी लोग गांव के मौजूद हैं। जैसा कि हमें पता लगा कि दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, एक 6 साल की एक 11 साल की, और दोनों बच्चियां ये आज सुबह जब ये इनके परिजन उठे, उन्होंने पड़ोसियों ने उठाया, क्योंकि इनके जो बच्चियों के परिजन थे, 6 वर्षीय जो बच्ची है, 11 वर्षीय बच्ची है, इनके जो माता पिता थे, सुबह नशे की हालत में थे, उनको नशीला पदार्थ दिया गया जैसे ग्रामीणों ने हमें बताया। और इसी बात को लेकर सुबह इन्होंने 10:30 बजे थाना सफेदों के अंदर शिकायत भी दी है कि हमारी दो नाबालिग बेटियाँ हैं, 6 साल की और 11 साल की जो बच्चियाँ हैं, दोनों वो घर से गायब हैं, और ये पूरे परिवार का रो रो कर यहाँ बुरा हाल है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हैं, और जब सुबह 10:30 बजे जब ये थाना सफेदों में शिकायत दी है, ग्रामीणों में एक रोष है इस बात को लेकर, जहाँ सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य करने के दावे करती है, और आज यहाँ गाँव डिडवाड़ा की जो मासूम बच्चियाँ हैं जिनका अभी तक कुछ नहीं पता कि वो किस हालात में होंगी, कहाँ होंगी, किसके पास होंगी, किसने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया, कैसे वो घर से बच्चियाँ गायब हुई हैं। ग्रामीण सुबह शिकायत करने के बाद अभी तक पुलिस की सुध लेगी और कब उनकी बेटियां घर आएंगी। बात करते हैं जो बच्चियों के माता पिता, उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा उन बच्चियों की, आपके दोनों ये दो बेटियां हैं जो आज रात से अपने घर से गायब हैं, और इनके परिजनों का माँ बाप का रो रो कर यहाँ बुरा हाल है। बात करते हैं सबसे पहले लड़की के जो पिता हैं उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुम्मा राम नाम बता रहे हैं ये। तो कैसे, क्या घटना है ये, कब आपकी बेटियां घर से गायब हुई, सुबह कैसे हालात थे, और पुलिस को जब आपने शिकायत दी तो अभी तक आपने जैसे कि बताया कोई कार्रवाई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सारी बात को लेकर, बड़ा गंभीर विषय है ये। मैं तो यह ना चाहता हूँ जी मेरी लड़की आनी चाहिए। मैंने ये पूछा आपके सर क्या घटना हुई है, कैसी है ये बताओ पहले। मैं कल सुबह से और आज सुबह तक बेहोशी में था, बेहोशी में ऐसा है जी, मेरे को कल रात कोई करीब 10 बजे मैंने मेरे पास में लटाई, मैंने एक मेरी माता के पास एक लड़की मेरे पास, सुबह मेरे भाभी ने उठाया तो मैंने लड़की नहीं पाई, दोनों लड़के पाई। कितने की उम्र बताइए? एक की 11 साल की एक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पुलिस को कब शिकायत दी आपने? शिकायत दी है मैं 11 बजे थाने में जा लिया था आज सुबह तो उन्होंने बोला जी हम 3 बजे आपके पास आ जाएंगे, अब तक नहीं आए। हमने फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया तो बोले हम दौरे पे हैं पाएंगे। तो यहाँ देखा जैसा कि लड़की के जो पिता है उसका कहना है कि 11 बजे शिकायत की थी, 3 बजे आने की बात कही गई थी, लड़की की माँ उससे बात करेंगे। क्या घटना हुई है? ये नहीं हुई जी। सदमे में है बच्चियों की माँ, आप देख सकते हैं बोला नहीं जा रहा, सदमे में, गहरे सदमे में। एक यहाँ बुजुर्ग महिला से बात करेंगे। ताई जी, क्या आपके जो गांव में घटना हुई है, किस तरह की ये घटना है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में तो जी यह घटना हुई है रात न के किस टाइम लड़की उठाई गई है, और इसकी दादी को भी नशा दे रखा, उसके पिता को भी नशा दे रखा, उसकी मम्मी ना किसी पर शक नहीं जी बाल तो कोई शक नहीं किसी पर। अभी पुलिस प्रशासन से आपने सुबह शिकायत की थी 11 बजे, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं बेटियों को ढूंढने को लेकर? हाँ भी आनी चाहिए जी, पानी चाहिए, तलाश करो, सारी इंक्वायरी करो। या देख सकते हैं किस तरह रोष है ग्रामीणों में कि जल्दी बच्चियां उनकी सही सलामत घर तक पहुंचे, काफ़ी चिंतित है ये परिवार, माँ है बेटियों की बोला नहीं जा रहा। यहाँ ग्रामीण से बात करें, भाई साहब आपके गांव के अंदर इतनी ये गंभीर घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये निंदनीय घटना जी, बिल्कुल इसे तो ज़्यादा निंदनीय क्या होगा जी, और बच्ची मिलनी चाहिए जी जरूरी, प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं लिया हमारी, सवेरे के बुरा हाल है जी सारे गाँव का जी। अभी हमने एसपी साहब हैं अजीत सिंह शेखावत जो यहाँ डीएसपी की ड्यूटी दे रहे हैं उनसे बात की है, उनके संज्ञान मामला भी आया तो उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको पूरी इंक्वायरी करवाते हैं, तो उनसे क्या मांग करेंगे आप? हमारी बच्ची मिलनी चाहिए जी। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, जो गांव की जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं, पूरे देश की बेटियाँ हैं, वो
देश गांव की बेटियां क्या क्या मांग करते हो उनको जल्दी ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन? हम न लड़के चाहिए जी, हम तो जो सच्चाई भाई जी इतनी घटना तो गांव में कभी भी नहीं हुई, ढूंढ सही हो कभी भी जिंदगी में। यहाँ देख सकते हैं खामोशी का मुल्य, सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गांव के अंदर उन बच्चियों के गुमशुदगी को लेकर। हर व्यक्ति गंभीर है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि उन बच्चियों के साथ क्या हुआ होगा, किस हालात में बच्चियां होंगी, भूखी प्यासी कौन उन्हें लेके गया अभी तक, ये एक रहस्य बना हुआ है। हमारे साथ समाज सेवी हैं सुशील प्रधान, गाँव डिडवाड़ा से, उनसे बात करेंगे। भाई साहब जो घटना हुई आपके गाँव में, इस घटना को लेकर किस तरह क्या देखते हैं और पुलिस से सुबह शिकायत की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा डिडवाड़ा गांव की तरफ से, जो इतने ये सारे दुख की घड़ी में इस जुमे भाई चौकीदार के पास आए हुए हैं, तो ये इसके दुख में ये आए, अभी इसकी लड़की गई कल न दूसरे की जाएगी, और जो इसने मैंने पता लगाया अभी आया, मैं भाई साहब ने बताया जो दिन में दरखास्त दिया है उसके बारे में पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, राह नाके भी हेर सके थे, ये शायद वो जीव है मर है अभी कुछ नहीं पता जी, पता लगने ही उन्हें और काम छोड़ गए, ये काम करना था। और मेरे ख्याल से तो सरकार भी सत्ता में उस टाइम बीजेपी सरकार आई थी, ये मुद्दा लेकर आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार कहीं ना कहीं भटक चुकी है, इस मुद्दे से भटक चुकी है कि इसने भाई ने गरीब ने पढ़ाई लड़की पढ़ी पढ़ाई को ठहके ले गया, ये पहले थोड़े दिन भी है तो इसकी गरीब की लड़की है मुस्लिम भाई है हमारा। आपने भी क्या लड़कियों को उठा के ले, क्या कोई ऐसी बात सामने आई है कि लड़कियों को उठाने की, जैसा आपने भी बताया उठाने का, ये लड़की तो बकाया गया सकाया गया किसी ने ठाई है कैसे भी हो, मतलब यहाँ तक लड़की गई है इवन की सुसाइड करने की हालत हो रही है, मुश्किल समझाया जा रहा है, दौरे पड़ने गए बार बार, और कोई भी किसी तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं होया। और जितनी भी ये पहले थोड़े दिन पहले रानी नागर थी SDM वो उधर से फरीदाबाद साइड से, तो उसको भी बचाया नहीं गया, कहाँ सरकार है, ये ढोंगबाजी हो रही, कह रहा नील भी जी महकमा ले रहा, ये रोज़ वारदात होने लग रही, आज इसकी उठी कल ने दूसरे की उठेगी, बुरा हाल हो रहा, कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं। ऐसे में ये कहूँगा ग्रामवासी ये सारे दुख की घड़ी में इसके आए हैं, जल्दी जल्दी इसकी लड़की पेश की जाए और उनको कहीं ना कहीं कई हादसा करता है मर्डर करता है उनसे बचाए। यहाँ देख सकते हैं आप सुशील प्रधान गांव डिडवाड़ा से, गृह मंत्री अनिल विज पे सवाल खड़े कर दिए उन्होंने कि जो गृह मंत्री कानून व्यवस्था को लेकर दावे करते हैं उनके दावे खोखले हैं, खोखले अपने उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कैसी भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो पुलिस जिम्मेदार होगी इस चीज की। हाँ हम तो पुलिस को ठहराएंगे ना, तो कभी आके देख रहे हैं हम जब से आ रहे हैं ना, तो कोई पुलिस का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब आप पुलिस को शिकायत देने गए थे तो क्या जवाब था पुलिस का? पुलिस का जवाब आ रहे हैं हम आध घंटे में आ रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है आने का, इंतजार करें सारा रिश्तेदार कितना आप देख रहे हो कब तक, जो बच्ची खोरी उनको तो पता है ना, अब भी हमारी बच्ची कैसे उन्हीं को पता रहता माँ बाप को, बिल्कुल है बहुत गंभीर विषय है फिर, और वो तो जवान बच्चे भी नहीं है, छोटी छोटी बच्ची है, तो पुलिस का तो हम पुलिस को ही जिम्मेदार मानेंगे ना, जब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे यहाँ पे आके। यहाँ देख सकते हैं कि महिला है, गुस्सा भी है, रोष भी है और दुख भी है, और वो काफ़ी गुस्से में है, रोष प्रकट कर रही है अपना कि पुलिस पर सवालिया निशान लगा रही है कि पुलिस ने कोई कर। अभी इस पूरे मामले को लेके बच्चियों की तलाश को लेके पुलिस प्रशासन से हरियाणा सरकार से जो दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आप पे इतना रोष प्रकट करें, सरकार से पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं जी, देखो सबकी हमारी नहीं सबकी बेटियों के लिए होना चाहिए, सबकी बेटियों को पढ़ना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे छोटे बच्चों को, एक तो ज़्यादा औरतें होती हैं कि भी पेट में लड़कियों को मरवा, ये नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ाओ बट्टे से कम नहीं है। अभी आपकी बेटियों को ढूंढने के लिए क्या मांग करते हैं? हमें तो ये चाहिए कि हमारी बेटी चाहिए, हमें हमारी दोनों बेटियाँ चाहिए, पुलिस कहीं से भी लाए ना, तो वही जिम्मेदार होंगे। सवाल खड़ा कर दिया पुलिस की कार्यशैली पर कि पुलिस उनकी बेटियों को ढूंढ के लाए, अगर उनकी बेटियां नहीं मिलती तो इसके पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की पुलिस प्रशासन की होगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले के बाद जो लड़कियां या गायब हुई हैं गांव डिडवाड़ा से, 6-7 साल की है, 11 साल की है, 2 बच्चियाँ हैं, सबका बुरा हाल है, पूरे ग्रामवासी जो डिडवाड़ा के हैं सब में गुस्सा भी है, रोष भी है, दुख भी है, और अब देखना होगा कि जो मामला अभी हमने बात की है ASP
अजीत सिंह शेखावत से भी, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द उनके संज्ञान में अभी आया, जब जैसे हमारे द्वारा बात की गई फ़ोन पे उनसे, और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि उनके संज्ञान में अभी मामला आया है और इस मामले की गंभीरता देखते हुए वो तुरंत एक्शन लेने की उन्होंने बात की। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले को लेकर, जैसे जो छोटी छोटी बच्चियाँ गायब हुई हैं गाँव डिडवाड़ा से, किस तरह क्या कार्रवाई करती है और जो बेटियाँ हैं कब तक लौट कर अपने घरों में सुरक्षित आती है। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आगे भी इस घटना को लेकर दिखाएंगे कि किस तरह क्या कार्यशैली रहती है पुलिस की और वो बेटियां कब तक अपने घर सुरक्षित लौट के आती हैं। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी तजारम के साथ गांव डिडवाड़ा से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।